वेलकम बच्चों, हम तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट से संबंधित है। आपको पता है कि आपके पेपर में मैट के 90 क्वेश्चंस आने हैं, मतलब आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम में। उसका हमने पहले 3 टॉपिक पढ़ लिया है, आज ये हमारा चौथा टॉपिक है सादृश्यता, जिसको हम कहते हैं एनालॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनालॉजी। होता क्या है ये, चलिए देखते हैं। इसमें 2 टाइप्स के आते हैं। पहला टाइप आप देख लीजिए, 4 में से 3 आकृतियां दी होती हैं प्रश्न आकृतियों में। पहली आकृति का जैसा संबंध दूसरी आकृति से होता है, वैसा ही संबंध बनाते हुए तीसरी आकृति से हमें चौथी आकृति ढूंढनी होती है। ठीक है बच्चों, 3 आकृतियां दी होती हैं और फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपके 2 डॉट लगे होते हैं। ऐसे मान लीजिए ए कोई आकृति है तो इसके डॉट में लगा रहेगा बी, और इसके बाद डबल डॉट लगा रहेगा सी, और एक और डॉट लगा रहेगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 2 आकृतियाँ आपको दी होंगी, ऐसे पहली और दूसरी के बीच में जो संबंध है वैसा ही संबंध हमें तीसरी और चौथी के बीच में बनाते हुए चौथी हुई आकृति ढूंढनी होती है। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, उसमें आता है समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द, अक्षर या अंक में कुछ संबंध होता है, वही संबंध समानुपातिक चिन्ह, इसको हम समानुपातिक चिन्ह कहते हैं, दाईं ओर के दोनों शब्दों, अक्षरों और अंकों में भी बनाते हुए लुप्त पद को हमें खोजना होता है। सेम वही चीज़ है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड दिया रहता है और कभी कभी थर्ड दिया होता है और या कभी कभी फोर्थ दिया होता है। तो जैसा रिलेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी जैसे कि यहाँ पे ए और बी में है, वैसा ही रिलेशन हमें यहाँ सी और नेक्स्ट में ढूंढना होता है। ठीक है, चलिए, इसमें भी 3 टाइप होते हैं, एक शब्दों की सादृश्यता, अंकों की सादृश्यता और अक्षरों की सादृश्यता। इसको हम डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आकृतियां दी होती हैं, जैसा संबंध पहली आकृति का दूसरी आकृति से है वैसा ही संबंध ढूंढते हुए हमें तीसरी से चौथी आकृति को ढूंढना होता है। देखिए आप ध्यान देंगे कि यह आकृति यहाँ है तो इसको यूं पलट दिया गया है, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई है। अब ये वाली आकृति अगर हम इसको यूं पलट देंगे तो यहाँ वाली आकृति हमें मिल जाएगी। तो जब इसको यूं पलटेंगे तो ये डिज़ाइन आपकी यहाँ आ जाएगी और ये लाइनिंग्स आपकी इस तरफ बन जाएंगी। तो ऐसा फिगर हमारा कौन सा, देखिए ऐसा बी वाला। जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो सेम हमें बी वाला फिगर मिलेगा, तो हमारा बी जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इस आकृति को 90 डिग्री घुमाया है। देखिए फिर इसको इन्होंने मिरर इमेज बना दिया। मिरर इमेज बनाने के बाद इन्होंने इसको यहाँ से तोड़ के इस हिस्से को उल्टा करके यहाँ लगा दिया। तो सेम हमें करेंगे, हम पहले इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, फिर इसका मिरर इमेज पलटेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप घबराइए नहीं, बहुत अगर आपने समझ लिया तो बहुत ईजिली कर लेंगे। तो इसको 90 डिग्री घुमाया, ऐसा बना, फिर इसको हमने पलट दिया, ऐसा बन गया। अब यहाँ से इस हिस्से को तोड़ के हमें इस साइड ला के उल्टा लगा देना है। तो हमने लगा दिया तो हमें कौन सी आकृति मिली, ये वाली। अब ऐसी आकृति हमारी कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत इजी है। देखिए इसमें ऐसी एक आकृति है, इन्होंने वैसी ही एक आकृति आगे भी बना दी है। ठीक है, तो हमारा सर्किल है तो आगे क्या होगा, देखिए अब इसको इन्होंने छोटा किया और इसके आगे एक बड़ी आकृति बना दी, तो ये सर्किल हमारा यहाँ पे छोटा हो जाएगा और इसके आगे ऐसी सेम टू सेम एक बड़ा सर्किल बन जाएगा। तो ऐसा हमारा कौन सा है, ऐसा हमारा ऑप्शन सी, यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगेन बहुत आसान प्रश्न है, ये 2021 में आया था। इसमें आप देखेंगे गोले के अंदर कितनी लाइन है, 8 लाइन। कितनी लाइन है, 8 लाइन। 8 का आधा हम करते हैं तो होता है 4, तो यहाँ पे चतुर्भुज बना है। अब सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ लगाना है, तो यहाँ पे 6 लाइन है तो 6 का आधा हम करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे 3 भुजाओं वाली आकृति यानी त्रिभुज होना चाहिए, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए त्रिभुज के अंदर वृत्त है, दूसरे चित्र में इन्होंने क्या किया, वृत्त को बाहर कर दिया त्रिभुज को अंदर, तो सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। यहाँ आपका आयत के अंदर वृत्त है तो आपको अगले में वृत्त को बाहर कर देना और आयत को अंदर, तो ऐसा हमारा कौन सा है, ऐसा हमारा ये वाला ऑप्शन है, तो हम इसको टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक आकृति है, दूसरी आकृति में इन्होंने इन दोनों को उल्टा कर दिया है, बस कुछ नहीं किया है, उल्टा कर दिया है, 180 डिग्री घुमा दिया है।
अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम उल्टा कर देंगे, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमें कैसी आकृति मिलेगी, ऐसी मिलेगी, दोनों चिपक जाएंगे तो ये वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी। बच्चे दूसरे टाइप के ए टाइप पे, जिसमें हमें क्या करना था, शब्दों पे देखना था, ठीक है, शब्दों की आपकी सादृश्यता, ठीक है। जैसे देखिए, गोल फुटबॉल समानुपातिक बास्केटबॉल अनुपातिक, क्या पढ़ते कैसे बच्चों, गोल अनुपाते फुटबॉल समानुपाते बास्केट अनुपाते क्या। तो देखिए, गोल होता है फुटबॉल में, तो बास्केट होता है किसमें, बास्केटबॉल में। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दर्जी कपड़ा शिक्षक क्या, यानी दर्जी का जो संबंध कपड़े से होता है वैसा संबंध शिक्षक का किससे होता है, तो वैसा संबंध शिक्षक का इस जो चारों ऑप्शन आपका दिया है, प्रधानाचार्य से होगा नहीं, पेंसिल से होगा नहीं, मेज से होगा नहीं, किससे होगा, पुस्तक से। दर्जी कपड़े पे काम करता है और शिक्षक पुस्तक से काम करता है, ठीक है, पुस्तक पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, खिलाड़ी स्टेडियम डाकिया क्या, तो खिलाड़ी स्टेडियम में खेलता है, डाकिया कहाँ काम करता है, डाकघर में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊन स्वेटर दूध क्या, ऊन से स्वेटर बनता है तो दूध से क्या बनता है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, दही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क वायरस हेलमेट क्या, मास्क वायरस से बचाता है, हेलमेट हमें किससे बचाता है, दुर्घटना से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट, सुखी दुखी जय क्या, तो सुखी दुखी क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो जय का विलोम शब्द क्या होता है, पराजय, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्कूल शिक्षा अस्पताल क्या, स्कूल में शिक्षा मिलती है, अस्पताल में इलाज मिलता है, वेरी गुड, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं।